तो आप लोगों को ये पता चलेगा हम एक किसी भी मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। चलो जी, कर दिया, सब कुछ फॉलो कर दिया। हाँ जी, हमें तो ये भी नहीं पता कि तरबूज किस टाइम कूटना चाहिए। वो तो देखो, वो सारी चीजें हमारा लड़का आप लोगों को एडवाइस दे देगा। लड़का एडवाइस ये टाइम अवेलेबल है 24 घंटे। रात के 3 बजे करा था, मैं उठा लिया था फोन। बिल्कुल नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्म राठौर चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम यारपुर आए हैं, जो कि थाना भवन के जिला शामली के अंतर्गत पड़ता है। नाव न्यू कंपनी से यहां पे प्रतिनिधि आए हुए हैं। काफ़ी किसान लोग देखने के लिए आए यहां पे और पूरा प्रैक्टिकल यहां पे दिखा रहे हैं। अब पूरी प्रॉपर जानकारी मैं उनसे गर्म कुछ जानकारी भैया। नमस्कार जी, अपना परिचय करा दे एक बार। मैं वीरेंद्र खोखर जी, नौ न्यू सीड से, मैं एज ए ब्रांच मैनेजर, दिल्ली एरिया का ब्रांच मैनेजर। ये ताइवान की कंपनी है ना आपकी? नौ न्यू सीड ताइवान की कंपनी। तो आज किस तरह की जानकारी करा रहे हैं? आज यहाँ पे हम गन्ने के अंदर दूसरी क्रॉप इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं, भी साथ में क्रॉप करने की जानकारी देने आए हुए थे। तो दर्शकों, बहुत ही शानदार जानकारी आपके सामने आज होनी चाहिए और बहुत ही किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, तो कृपया वीडियो बीच में न छोड़े। बहुत ही शानदार सुझाव है, तो कृपया चैनल पर बने रहे, वीडियो लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जरूर करें जी, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है। ट्रेंच पे जो गन्ना किसान दीपक, आप आइए एक बार। आओ दीपक। ये हम एक आपके एक बगीचे में खड़े हैं भैया, आप खेत पे नहीं जा पा रहे थे, तो यहीं पे हम कोशिश करेंगे कि आपको एक प्रैक्टिकली रूप दिखाने का, अभी कैसे गन्ना आप गन्ने के अंदर दूसरी खेती आप अंदर कर सकते हो। एक एक गन्ने से दूसरे गन्ने की दूरी अप्रोक्सली 4 फुट की होती है। 4 फुट पे ट्रेंच कर रहे हो? 4 फुट पे, ठीक है जी। जबकि ये हम इसको एक मल्चिंग मान लेते हैं, अभी हमारे पास में मल्चिंग सीट नहीं है। ये करीब 4 फुट की उसकी चौड़ाई होती है। तो ये जो दौरा है हमारा, ये हम 3 फुट का बनाएंगे बेड 3 फुट का, क्योंकि इसको कवर करने के लिए दोनों साइडों को कवर कर दे। ये बेड होएगा पूरा, अभी तो इसमें आलू लगे हुए हैं और इसको समतल कर दे तो ये बेड हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरी क्रॉप के लिए और उसके ऊपर बेड बन के ये लग जाएगी मल्चिंग। इस टाइप से मल्चिंग हो जाएगी, वो प्लास्टिक की रहेगी, उसमें सिल्वर ऊपर रहेगा, ब्लैक नीचे रहेगा। उसके बाद में ये तार लगेंगे, ऐसे तारों के ऊपर ये रस्सी बनती है। इसमें देखो, छोटी ही चीज़ का ध्यान रखना आपने, ये रस्सी का मैं दिखाऊंगा। अगर आप इस रस्सी को ऐसे करके ऐसे बांधोगे तो कुछ नहीं फायदा। एक सिरे पर लगा दी, अगर ऐसे लेके जाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं। और यही रस्सी अगर इस मेथड से ऐसे घूम के जाएगी तो इसके बहुत सारे फायदे रहेंगे। आप ये ऐसे, ये इसको टाइट करती जाएगी, इसको टाइट करेगी। ये स्टाइल होती है, इसका बैलेंस बना रहेगा रस्सी का, इसको पकड़ कर रखना। ये इधर से इधर गए, इधर गए, ये इसको ऐसे टाइट रहेगी पूरी पूरी। ये ऐसे करके खींच, इसको पकड़ दबा लो आप एक बार, ऐसे करके खिंचाया जाओ तो ढीला नहीं पड़ेगा। अगर ये लपेटा आपने उल्टी साइड से ले दिया तो ये ढीली होती चली जाएगी। ये इतना ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही एक ऐसी वैल्यूएबल होती है, इसके ऊपर गांठ आनी चाहिए। और ये ऐसे आगे बंधेगी एक डोल से दूसरे डोल पे, नीचे जमीन में। हाँ, जमीन में बन जाएगी आगे। वहाँ कुछ दबाना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा? हाँ, गाड़ना पड़ेगा, ऐसे डंडे रहेंगे सर। डंडा या फिर ईंट वगैरह में करके भी नीचे डंडे से, डंडे से पड़ेगा सर, ईंट में नहीं काम चलने वाला जी। और वो पॉलीथीन दियो जी ऊपर वाली, एक बार आपने देखा कि हम इसको एक पॉलीथीन मान रहे हैं नीचे, और ये ऊपर से पॉलीथीन लगेगा। तो थोड़ा आप मतलब इसकी विड्थ कम है, नहीं नहीं ऐसे करो, ऐसे करके ये लग जाएगा। ये नीचे मल्चिंग होगी, ये हो गया। अभी इसके अंदर आपने, हम इसको एक पौधा मानते हैं, बीज का पौध करो, ये नर्सरी का पौधा, ये वहाँ पे लग जाएगा इस साइड ऐसे। इसके अंदर से होल होएगा, सुराख सुराख मारा जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा। मैं थोड़ा सा क्या छू, इस टाइप से ऐसे पौधा लग जाएगा, सुराख होके लगेगा जी सेंटर में। अभी तो वैसे दिखाया गया है,
सेंटर में होल हो गए ऐसे पौधा लगेगा, यानी कि मल्चिंग में जो पन्नी वगैरह बिछ रही उसके ऊपर, उसके ऊपर सुराख होएगा, सुराख हो गया तब। अब ये सीन होएगा आपका जनवरी में, दिसंबर एंड जनवरी में, और आप गन्ना लगाते हो मार्च में जाके, ठीक है ना। अब आपको इंटरक्रॉपिंग कैसे फैल हो रही है, मार्च में इस तरबूज को लगाओगे ना या खरबूज को लगाओगे आप पास नहीं होगे, क्योंकि दोनों क्रॉपों का अनबैलेंसिंग हो जाता था। यहाँ से अगर आप जनवरी से 14 जनवरी से पहले 14 जनवरी के बाद बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करो, और इस टाइम पे आप प्योध बनाओ। प्योध बनाने का भी यही तरीका है, ऐसे ही पटड़ा नीचे बनाया, ये ऊपर से ढक दिया, इसके अंदर पाले से बच जाएगी, प्योध बन जाएगी। इसको एक बड़े आकार में भी कर सकते हो आप, ये इसकी साइज बढ़ा करके यहाँ से यहाँ तक का करके उसमें भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि हाइट इसकी जो आपने ढकने के लिए पन्नी वाला है ऊंची नीची हो तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा? देखो टनल में तो यही हाइट रहेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप नर्सरी के लिए ऊंचा करना चाहते हो तो थोड़े एरिया के लिए चल जाएगा। अच्छा, अगर पूरे खेत में है तो एक स्टैंडर्ड साइज है। फिर उसके बाद में आपका जैसे मार्च का महीना आएगा, मार्च के महीने में आप लोगों ने कैसे करना, अब ये जो पानी वाला चैनल है इसमें दो मेथड, या तो गनीरी ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो छोटी छोटी आंख करके, ठीक है, ये मेथड है। या फिर आप ऐसे रख के पैर दे दो पानी दे के, मुझे ऐसे नॉर्मल गन्ना बुआई, नॉर्मल गन्ना आप बुआई करते हो, सबसे इजी है, ठीक है। उसमें गन्ना जाम आएगा, अप्रैल के महीने में ग्रो होता रहेगा, इसकी तोड़ाई चालू हो जाएगी, तरबूज आपका टूटना स्टार्ट हो जाएगा 15-20 अप्रैल के आसपास में, उस टाइम पर रेट भी अच्छे होंगे। करीब ये 10 मई तक ये खत्म हो जाएगा, तीन तोड़ाई होती है जनरली तरबूज की, तीन तोड़ाई में खत्म हो जाए। ये सब आपने फिर निकाल लेना, गन्ने की हाइट ये होगी, इस हाइट का गन्ना होगा, ये तो पहले ही फरवरी में निकल जाएगा, इसको बताओ ये फरवरी में हट जाएगी, फरवरी में हट गया, ये भी हट जाएगा सारा कुछ। गन्ना तरबूज की कटिंग हो जाएगी, तरबूज का पेड़ आया पेल है तो ये कट करके हमने बाहर निकाल लिया, ये मल्चिंग पानी देने से निकल जाएगी। फिर हमने ट्रैक्टर डाला और ऐसे करके इसकी मिट्टी इधर डाल दी, इसकी मिट्टी इधर डाल दी, उस करके गन्ने के अंदर भी आपकी एकदम फोकी मिट्टी मिलेगी, उसको मजबूती मिलेगी। ये अगर इस टाइप से गन्ने की अगर इंटरक्रॉपिंग करोगे तो आप पास होगे। अगर आप जाके मार्च में गन्ने के अंदर तरबूज लगाओगे उसमें तो आपके खर्चे ही पूरे होने वाले। अगर एक्चुअल जो आप गन्ना आप डालने लग रहे हो उसके अंदर दोबारा गन्ना भी बिजाई करते हो आप, और 15 मार्च के बाद में आसपास में आपका गन्ना बिजाई करते हो तो अच्छी जमाव आता है, उससे पहले वाले में आपको रिस्क रहता है। और ये 10 मई तक ख़त्म हो जाएगा, 40 से 50 दिन आपको गन्ने की परवरिश करने का टाइम मिलेगा। ये ओनली ट्रेंच वाला गन्ना उसमें ही कामयाब होगा। पर एकड़ खर्च कितना है जी? पर एकड़ अगर इसका आप खर्च देखोगे जो मल्चिंग का खर्च है वो करीब 12,000 रुपये, इस तार का खर्च है ये भी 12-13,000 रुपये, 24,000 रुपये, 12-13,000 रुपये इसका खर्च है, वही 36,000 रुपये तो ये खर्च है। और आपका गन्ने का जो बीज का खर्च है वो करीब 15 से लेकर 18,000 रुपये एक एकड़ का। तो तरबूज या खरबूज? तरबूज खरबूज अलग अलग वैरायटी वाइज खर्च होगा, जोन जोन सी वैरायटी पसंद करेगा, जिसकी डिमांड होगी उसके हिसाब से खर्च। कितनी स्पेस पे बोना है वो जो बोएंगे? वो तरबूज जो बोया जाएगा वो 1.5 फीट पे, 1.5 फीट पे, 1.5 फीट पे एक आप इसमें सीधी बिजाई भी कर सकते हो। इसमें सीधी बिजाई का ये मेथड है, बीज डाला, जो डिस्पोजल गिलास आ रहे हैं आजकल उनमें होल मारे 5 और वो इसके ऊपर ढक दिया, और ये पॉलीथीन ढक दी। नर्सरी भी निश्चित ही 14 जनवरी के आसपास तो अब सीधी बिजाई भी आपकी जाम के खड़ी हो जाए, इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं। अगर आप इसके खर्चे से बचोगे तो आपके गन्ने पे इफेक्ट पड़ेगा जाके, क्योंकि ये फिर ये लेट तैयार होएगा तो गन्ने की फसल के जो टाइम है वो कम मिलेगा, इसलिए आपका गन्ना फिर फाइनली जागे ना लोग ये बोलेंगे हल्का हो गया भाई, इसने तरबूज लगाया था इसलिए गन्ना हल्का हो, ये नहीं देखते आपने उसका समय काटा है, उसकी सेवा का समय आप काट लेते हो। इसकी लाइफ कितनी है जी? ऐसा तो नहीं है कि किसान एक बार लगा के जो हम फसल लगा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर भी लगाना चाह रहे हैं कि दोबारा? नहीं नहीं, अगर आप इसको सेफ कवर काटोगे आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कवर मल्चिंग या पोलोथीन? नहीं पोल, देखो ये पोलोथीन की लाइफ 2 साल की है, रस जो ये तार है इसकी लाइफ आप 8 साल 10 साल 15 साल तक भी, आप यू आपके डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर आप इसकी टेक केयर कैसे करते हो। मल्चिंग आपको एक ही सीजन काटे, क्योंकि आप दोनों साइड में आपने गन्ना ले लिया तो आपकी जो चाल बनेगी वो बेड के ऊपर से ही बनेगी, तो बेड के ऊपर से बनने के बाद में फिर मल्चिंग में कुछ नहीं बचता ना वो बेड में कुछ बचता, वो एक बार ही रहेगी आपकी, और उसके बाद में इस खेत में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गन्ने के लिए अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हो तो फिर इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, अभी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेम इसी टाइप में आप जो अगस्त सितंबर में आता
इसी टाइप वहाँ पॉलीथीन की बजाय एक क्रॉप कवर आता है, वो छन्नी जैसा होता है, उसमें से ग्रीन ग्रीन से नहीं, ग्रीन नहीं, ऐसे ही व्हाइट में आता है, नॉन वून फाइबर का बोलते हैं उसको, वो आता है, वो लग जाएगा प्लास्टिक, उस टाइम पे नहीं चलेगी, मेथड ये रहे, उस टाइम पे आप खीरा कर सकते हो उसके अंदर। अब की बार इन लोगों ने किया था तो वही वैरायटी आप कर सकते हो आराम से। कॉस्ट उसकी भी इतनी है या उसकी कम है? बीज की कॉस्ट उसकी कम है, बीज के नहीं सर, इसकी इसकी कॉस्ट हाँ से ये तो आ गया आपके पास, आपने ये बताया ना ये पॉलीथीन, हाँ दूसरा बता रहे, वो दूसरे की कॉस्ट भी सिमिलर ही है, करीब आपका जो टोटल कॉस्टिंग है इसके ऊपर गन्ने के इंटरक्रॉपिंग आप करते हो 50 से 60 हज़ार रुपये का पर एकड़ का। अगर आप तरबूज की आउटपुट रेशो देखते हो तो करीब आपका 200 से 250 क्विंटल तरबूज एक नॉर्मल आप सेलर के सेल के बेहो पे आराम से लेकर 2 से 2.5 लाख रुपये का, अगर इस टाइप से आप टेक केयर करते हो तो 2 से 2.5 लाख रुपए का तरबूज लास्ट ईयर बेचा भी है, यहाँ पे दुकानदार भी है, यहाँ पे खरीदने वाला भी है और लगाने वाला भी है और कंपनी भी है। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे जो अभी आप आपके चारों तरफ जो खड़े हैं उसमें भी बेचने वाला भी वो भाई साहब हैं, इन्होंने बेचा था, ठीक है, लगाने वाले ये खड़े, कंपनी वाले यहाँ पे हैं और दुकानदार भी थे पिछली बार जिन्होंने हमारा सहयोग किया था वो पीछे रहे, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ये न्यूज उसी दिन भी ये बोला था भी सीजन से पहले आके, और कुछ चेहरे में जो नजर आ रहे हैं वो पुराने हैं, हम जो बैठे थे उस मीटिंग में वो लोग अभी भी हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चाएं करी थी। तो ये मेथड अगर इस मेथड से जाते हो तो गन्ने का कामयाबी मिलेगी इंटरक्रॉपिंग की, अगर इसको गन्ने में नहीं करना है तो आजकल भी आप इसको लगा सकते हो, खाली हो जाता केला लग जाएगा। नहीं सर इंटरक्रॉपिंग तो कर लेंगे, बहुत सी बार ऐसा होता है ना, मान लीजिए सर हम कोई नई फसल है हमारे जो क्षेत्र है उसके लिए, तो ये तरबूज खरबूजा दीपक भाई को छोड़ दो, उनको छोड़ दो, मतलब 100 में से 2 किसान को या 4 को उनके नॉर्मल फसल क्या है मेन गन्ना, तो हम दीपक भाई को देख करके या भाई साहब को देख के नई फसल की ओर आ भी गए, मतलब जो हमने ये, हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो हमारे सामने मेन प्रॉब्लम क्या आती है मार्केट, हम तो यही चाहते हैं भाई बड़े भी हैं ये सोचे एक का कम है तो भाई हम नहीं ज्यादा दूर बेचन जान देते, हम तो यही चाहिए मार्केट, जैसे मान लो नजदीक। देखो इसमें 2 मेथड होते हैं जी, अगर आपको देखो गांधी वाले नोट की ज्यादा इच्छा रहेगी तो आपने भी अपनी मार्केट अपने आप चैनलों के हिसाब से बनानी पड़ेगी, अगर आपने कम इच्छा रहेगी गांधी वाले नोट सर शुरू में, सुनो एक मिनट मैं आपको बता दो, मेरी आपकी मैंने सुन ली है, मेरी सुना आप, बीच में अपने आप आड़तिया सेट हो जाएगा, 2 रुपये सस्ता ले जाएगा 2 रुपये महंगा बेच लेगा, सीधा सिंपल है इसकी मार्केट। जब आपके यहाँ लोकल में ये बेचने वाला ये बोल रहा है तो आप कहीं नजर उठा के देख लेना, हर जगह है। फिर बात ये आती है अगला स्टेप ये होता है, अगर आप मान के चलो भी शुगर मिल की तरह तो देखो फ्रेश चीज है वो तो चीज होनी नहीं है, फिर भी अगर आपको ये लगता भी हम दूर नहीं जाएंगे तो व्यापारी को प्रॉफिट होएगा, आप तो पैसा मंदा दोगे तो आप 100% आपसे लेके जाएगा, ये वो चीज तो है नहीं भी गन्ने की तरह आप ग्रो करोगे ना, आपने स्टेप टू स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा। एक जो आपके नजदीक में जो तरबूज लगाते हैं वो लोग ना छोड़ रहे हैं डे बाय डे, और तरबूज की खपत कोरोना के बाद में बढ़ रही है, और आप लोगों का जो संसाधन जो आप खेती कर रहे हो उसमें आपकी आमदनी घट रही है, आप कहाँ आई इधर मजबूरी है, उनका घटवाना इसलिए मजबूरी है उसमें उनको नहीं कुछ बच रहा है, तो सब आप अपनी मजबूरी के कारण ही आगे बढ़ते हैं, तो ये इसलिए करो, नहीं तो आप इसी टाइम पीरियड में आप 50,000 रुपये लगा के आप 1.5 लाख रुपये भी कमाते हो, कोस्ट काट के गन्ने का कोस्ट काट के 50,000 रुपये ही नैंड रह गए, गन्ने की परवरिश आप आराम से कर लो, आपकी फसल कोई छेड़ता ही नहीं, मगर इसकी इसकी जो रिक्वायरमेंट है जो आपकी रिक्वायरमेंट ये पूरी तब करेगा जब इसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करोगे, इस मेथड से ही इंटरक्रॉपिंग कामयाब है। कहीं आप सोचो भी फरवरी में जाके मैं ये खर्च बचाओगे, आप मल्चिंग तो फिर भी लानी पड़ेगी क्योंकि मल्चिंग नहीं लाओगे गन्ने पे इफेक्ट पड़ेगा, गन्ने पे इसलिए आप इसकी मल्चिंग कर लोगे ना, मैं जैसे आपके पास तजुर्बा बढ़ता जाएगा आपको गन्ने की पत्ती की पर मल्चिंग भी हो जाएगी, हो जाओगी कोई बड़ी बात नहीं, मगर जब आपके पास तजुर्बा हो जाएगा ना तब आप उसकी तरफ जाओगे, आपसे ही मैं कुछ सीख के जाऊंगा। क्या ड्रिप इरिगेशन ज्यादा सक्सेस इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रिप ही है, अगर ड्रिप होती है तो फिर क्या वाटर मैनेजमेंट अलग अलग हो जाएगा, उसमें और भी सोने पे सुहागा रहता है, गन्ने के वाटर मैनेजमेंट और तरबूज का वाटर मैनेजमेंट और फर्टिगेशन अलग हो जाते हैं अगर ड्रिप हो तो, पॉसिबिलिटी हो। नहीं ड्रिप नहीं है, अगर ड्रिप नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्लड का ही मेथड है। और रजवाई वगैरह जहाँ सिंचाई है नहरी सिंचाई है वहाँ पे कोई दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं इसको, अगर भाई रुझवाएगी सिंचाई से बस इसको वाटर लेवल चाहिए, जमीन का ना लेवल एक नीड है, वो गन्ने को भी जरूरत है,
हर चीज को जरूरत है अवेलेबलर की। अच्छा एक बच्ची बता भैया, जब बेड वगैरह बना दी पहले से जनवरी में स्टार्ट कर दिएगा, तो जो फरवरी लास्ट या फिर मार्च के शुरुआत में गन्ना वगैरह बोओगे तो तब तक शायद घास वास होने की संभावना नहीं होगा, एक चैनल में पानी रहेगा, एक ही पानी लगेगा बीच में, बस इसके खाली खाली इसके एक चैनल के बीच में एक पानी लगेगा, ये चैनल सूखा रहेगा, एक गिल्ला होगा एक सूखा रहेगा। दूसरा पानी दे के आप अपना पानी दे के और गन्ने के ऊपर अपने पैर रखना पड़ेगा, दलेरी के ऊपर कहीं अगर थोड़ा बहुत रहता भी है गन्ने, अगर मान के चलो ऊपर भी रह जाता, जैसे भी आप जो आप अपने गन्ने की बुआई भी कर रखे आते हो तभी भी अगले दिन तो उसको देख के आते हो अभी गंडेरी ऊपर रही है कि नीचे गई है, तो उस टाइम पे भी यही है, आपने या तो नॉर्मल मिट्टी डलेगी इसके ऊपर या फिर आपने उसके ऊपर अगले दिन फिर पैर रखवाना पड़ेगा। एक जानकारी थोड़ी सी भी चाहिए, कल जब गन्ना उसमें बो देंगे, आप बता रहे हैं मई तक ये चीजें रुकेगी, ये गन्ने में जो दवाइयां वगैरह पड़ती हैं या खाद फर्टिलाइजर जिस तरह की चीजें, स्प्रे भी होता है तो क्या इस पे कोई इफेक्ट वगैरह डालेगी? गन्ने में दो ही तीन स्प्रे होते हैं, कीड़ी का होता है, कैटरपिला का होता है, वो दोनों स्प्रे आप इसके ऊपर कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं, मतलब गन्ने का कोई कीट या फिर इसका कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है अभी गन्ने का कीट का इसके कीट का, अभी ऐसा नहीं है अभी गन्ने वाला जो कीट है वो इसके ऊपर इफेक्टिवनेस करेगा। गन्ने का शूट बोरर होता है, मेजर होता है शूट बोरर, उसके अंदर शूट बोरर होता है गन्ने का, उस पर आप कोराजन का स्प्रे करते हो, कोराजन इफेक्ट इस पर भी है, सहन कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है अभी कोराजन। बस एक चीज तो होगी फिर भी, मतलब कि फर भी साइड तो लगा ही नहीं सकते फरवरी में, अगर आप लगाओगे किसी में गन्ने के करोड़ पे, अगर आप अलग से लगा सकते हो फरवरी भी लगा सकते हो गन्ने से अलग, मार्च भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं इसको लगा दिसंबर से चालू कर सकते हो, आप दिसंबर वाले में भी गन्ना लगा सकते हो। यानी ऐसा मान लो इसे जैसे कि असोज में गन्ना बोता है, अगर गन्ने की पैदा देखनी है असोज में वो, अगर इस तरबूज की पैदावार देखनी तो जनवरी से शुरुआत कर दो। हाँ जनवरी से शुरुआत, अच्छी पैदा चाहिए तो टाइम से बोओगे, टाइम से अगर बोते हो तो बाजार अच्छा मिलता, पैदावार तो मिलेगी मिलेगी, जो बाजार के ऊपर डिपेंड है, अब आलू वाला किसान है यानी मार्केट में जल्दी पहुंचेगा तो ज्यादा बेनिफिट, तो गन्ने वाला किसान का एक ही बेनिफिट है, अगर उसकी जनवरी में खेत खाली है जिसमें उसने तरबूज बोना, मगर आलू वाले के सामने मजबूरी है फरवरी से पहले आलू का खेत खाली नहीं है, और इस फसल के दीवाने आलू वाले, तो आलू वालों ने अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, अगर आप अल्टरनेटिव सोच के इस क्रॉप पे आते हो तो आलू वालों ने आगे जाके उन्हें थिंकिंग करनी पड़ेगी भी कोई नई क्रॉप हमारे लिए सही, क्योंकि उन उस जो एरिया का आप रिक्वायरमेंट है तरबूज की तो आप पूरी कर दोगे, ये चीज़ है, अगर ये चीज़ हो सकती है, और नहीं तो आज के डेट में गन्ने के अंदर इंटरक्रॉपिंग आप जाओगे, महंगी चीज़ ही आपका ये रिटर्न कर सकती है, सस्ती चीज़ पर अगर आप जाते हो तो समस्या ये आती है, गन्ने के ऊपर इफेक्ट पड़ेगी, टाइम पीरियड उनके सबके ही है। आप इसके अंदर एक सीडलेस खीरा लगा सकते हो, मगर उसकी मार्केट इस लोकल इस एरिया में कम है, वो जो बिना बीज का खीरा है उसको कम लोग यूज करते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल और ठंड का है, अगर 15 दिसंबर आप खीरा एक ऐसी चीज है आप जनवरी में भी लगाओगे बिजाई करोगे तो सीधा डायरेक्ट वो बीज चार बार बोझा जी खीरा साल भर में चार बार बो सकता है, खीरा हो जाता है, मगर बात यही है कि आपका जो किसान आज की डेट में आपका युवा भी गन्ना नहीं छोड़ना चाहता, सबसे बड़ी ये बात है कि आपका युवा जो चैनल है वो भी गन्ना नहीं छोड़ना चाहता, बुजुर्ग तो कैसे छोड़ेंगे, तो उसके लिए एक पहली पहल है आपके एरिया में, लास्ट ईयर उन्होंने किया था अपने लेवल पे, उसके बाद में आज ये है अभी, और ये बहुत प्रोग्रेसिव किसान है, मेरे से मिलने के लिए स्पेशल मियां बीबी संभाल कर गए थे, और मेरा प्रोग्राम नहीं था फिर भी हम एक डेढ़ घंटे हमने टाइम स्पेंड करा आपस में, तो इन्होंने ये नहीं पर्टिकुलर अपनी बात करी है, पूरे इलाके की बात करी है कि मेरे इलाके का कैसे हो जाए, तो आप आज पांच चार युवा लोग हो तो आप एक एक एकड़ में आप करके देखोगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा हम एक किसी भी मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। चलो जी कर दिया सब कुछ फॉलो कर दिया। हाँ जी हमें तो ये भी नहीं पता कि तरबूज किस टाइम कितना चाहिए, वो तो देखो वो सारी चीजें हमारा लड़का आप लोगों को एडवाइस दे देगा, लड़का एडवाइस देगा, हर टाइम अवेलेबल है 24 घंटे। रात के 3 बजे करा था, मैं उठा लिया था फोन। हाँ ये देखो आज हम पास आए हैं ना, हमें भी पता है, अगर देखो बीज बेचने वाले को भी ये पता है यहाँ पे ग्रोथ में स्लो आएगी, हमें भी पता, और ये भी पता जब फास्ट हो जाएगी ना और कंपनी वाले भी आएंगे, हमें उस चीज से कोई इफेक्ट नहीं, हमने अपना नॉलेज शेयर करना, स्टार्टिंग स्टार्टर आप लोगों को देना है, उसके बाद में क्या पता हम कोई और अच्छी फसल ले आए और अच्छी फसल की तरफ में मूवमेंट करें, ये कोई जरूरी नहीं आप गन्ने से कैसे चाहें, क्योंकि आप एक महानगर के पास में बैठे हो, पहले ये थिंकिंग करनी है आपसे, यहाँ से 50 से 70 किलोमीटर पे या 100 किलोमीटर पे 5 करोड़ पब्लिक बैठी है, 5 करोड़ लोग बैठे हैं आज से यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे, एक बार आप इस एक साल की फसल से जब आप 4 फसलों पर चले जाओगे फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला, अपने आप उस तरफ उस साइकिल में घूम जाए, और वो 5 करोड़ से
आने वाले टाइम में वो 7 करोड़ तक 10 करोड़ तक होने वाले। सीड का रेट क्या है जी? सीड का रेट अलग अलग वैरायटी का, किसी का 80,000 रुपए, किसी का जी 90,000 नहीं पर किलो का, कोई दो एक एकड़ में कितना, पांच एक, एक के जी में 5 एकड़ भी लगते हैं, कोई तो खरबूज ले हुए 7 एकड़ लगता, तरबूज आप 4.5 से 5 एकड़। तो भैया जैसे इस तरह की चीजें को किसान प्रयोग करता है, लेकर आता है, कुछ लोग मूव करेंगे उससे, तो क्या आपकी तरफ से टेक्निकल एडवाइस वगैरह सपोर्ट वगैरह चाहिए? देखो ये वो मिलती रहती है, वीडियो बना के दिखाई थी फार्म पे, बिल्कुल प्रैक्टिकली यही चीज है। अभी देखो प्रैक्टिकल का मजा कुछ और होता है। अब मैं प्रोजेक्टर ले रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, उसमें क्या आगा, एक बार यहाँ पे कोई खुजली करेगा, एक बार इधर देखा, एक बार उधर देखा, मैं ये प्रैक्टिकल नहीं समझ में आया तो एक डेमो हम दो बार है, जो पहला फील्ड होगा तैयार उस पर फिर दोबारा दे देंगे, क्योंकि हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। कंपनी का यह फर्ज है, हम अपने काम से कहीं पे मैं करूंगा इसमें तो आप भैया जिस तरह का मॉडल आपने बताया, कतई पोटेंशियल कितना होगी, एक एकड़ में कितना हो सकता है फसल वगैरह? 200 से 250 एक ये बताया है, जमींदार एक सेल कर सकता है, दिखने में और दिखाने में तो बहुत कुछ नजर आएगा। अगर पॉपुलेशन एक बेल से एक तरबूज की एवरेज निकालो 4 kg की, जो आपकी बिकती है, मार्केट वैल्यू जिसकी है, 5,000 पौधे आपके जिंदा रहते हैं, 5 kg के 2 भी आ सकते हैं, 6 kg भी हो सकता है, किसी पे 4 kg, एवरेज 5 kg की आपको मिल जाएगी सिंगल तरबूज या 2 तरबूज की। ये एक यील्ड, एक पैसा आपकी जेब में आने वाला, दिखने में लगे हुए दिखने में वो एक अलग, वो फिर आपके तजुर्बे के ऊपर बात है। तरबूज की पैदावार 400 क्विंटल तक भी जाती है, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपको जैसे आज गन्ने को आपके एरिया में, यहाँ आप सभी गन्ने के प्रोग्रेसिव किसान हैं, 300 से लेके 700 क्विंटल वाले हो आप। बिल्कुल ठीक है, 300 से लेके 700 वाले, 900 वाला आपने ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं वो गोले छोड़ता क्या है, चलो 700 वाला भी झूठ मिले, मगर ये है 500 साढ़े 500 की तो एवरेज एक है ना जी, बिल्कुल अब नहीं मानने, अब नहीं मानने, पिछले साल ही था आपका तो कुछ नहीं है। देखो ऐसा आइए तो मौसमी एक वेरिएशन तो रहेगा ही रहेगा, मगर हर साल के चैलेंज अलग, इसमें भी ऐसे है। अब मैं आपको 400 की भी एवरेज है, कैलकुलेटर है हमारे पास, वीडियो भी है, तोल भी है, मगर वो एक एवरेज में नहीं काउंट होंगे। एक बेल से 5 किलो की एवरेज भी निकालोगे आप तो 200 से 250 क्विंटल आपकी बिका हुआ आपको मिलेगा। ये चीज़ है, शॉर्ट टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बीच में से समय निकाला, 2 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल सक्सेस करने। कंपनी ताइवान की है ना ये? कंपनी ताइवान की, यहाँ पे बढ़िया चल रही है, कोई समस्या नहीं आई जैसे आपने प्रैक्टिकल कर चुके? कोई नहीं, यहाँ पे सर करीब तो मौसम से भी कोई डरने वाली बात नहीं है, करीब 200 करोड़ का व्यापार कर रही है कंपनी, तरबूज खरबूज और पपीते में वर्ल्ड वाइज आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की सप्लायर है, और जो तरबूज बड़े साइज से छोटे साइज का जो जन्म देने वाली है यही कंपनी है, जो पीला खरबूज आप देखते हो बाजार में वो भी इसी कंपनी का है, और एक उसके साथ में एक छोटा खरबूज मिलेगा आज 80 रुपए किलो इतना, वो भी वैरायटी है, वो वर्ल्ड की विनर वैरायटी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका चैलेंज नहीं रहा है, और अभी तक बहुत साल पहले 15-20 साल पहले का वो एक अमेरिका में एक्सपो हुआ था उसमें उसको फर्स्ट पोजीशन मिली थी, अभी तक उसके बराबर में कोई स्वीटनेस की यील्ड की कोई वैरायटी नहीं हुई है, और आज वो इस इलाके में, ये इलाके को छोड़ गया आपका मतलब, ये इलाके काउंटिंग मारेंगे तो आपका हरियाणा भी इसी इलाके जैसा, पंजाब को लगा लो तो 700 kg करीब, अप्रोक्सली 5 से 7 हज़ार एकड़ उसकी बिजाई भी होती है, और ये जमुना में भी लगता है लगाने में तो, मगर ये है कि जितनी सहूलियत वो बीज है उसकी क्वालिटी है उसको उतनी सहूलियत दी जाएगी, वो अपना रंग रूप वैसे ही लेके आए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, तरबूज में कोई मोटी बीमारी नहीं आती, जो गन्ने वाले कीट होते हैं ना चूसने वाला उसका भी करते हो, काटने वाला उसका भी करते हो, डोज का फर्क भी तो पड़ता होगा जी, डोज का गन्ने की जब जब आप पर्टिकुलर गन्ने पे करोगे ना तो उसकी छींट ही चलेगी वही का। मुझे वायरस का क्या हुआ है, क्योंकि तरबूज में मुझे लगा पिछले साल की वो आया नहीं, पिछली बार जो आपके यहाँ पे आपको लगा था वो था थ्रिप्स। अच्छा, और गन्ने इसके अंदर थ्रिप्स आता है जो उसको कुत्ते का पिसू बोलते हैं वो टाइप का आता है, मगर आपका वही पीरियड हो गया था उसमें आपने, अगर प्रिवेंटिव आप स्प्रे करते हो तो तब वो बिल्कुल एक फंगल रह गई थी आपकी, और बिल्कुल लंबी फंगल रह गई थी, पत्ते खत्म, वो थ्रिप ने उसकी हर चीज को चूस लिया था, चूसने के बाद में पत्ते को ग्रोथ ही नहीं होने दिया था। हाँ, ये एक रीजन रहा था, वो पत्ते बिल्कुल कड़े बिल्कुल पत्थर के जैसे हो जाते हैं, तो वो ये चीजें आपने प्रिवेंटिव में लेनी पड़ेंगी, यही एक आपको नॉलेज है। 3-4 चीजें हैं,
जब तक तरबूज का इतना साइज होता है ना, इतने साइज पे ही एक स्प्रे होगा फ्रूट फ्लाई का, उसके बाद में 35 दिन तो रहते ही है। एक तरबूज, एक गन्ने का निकल गया, एक तरबूज का नेम का निकल गया, हो गया पूरा। तो जब तक ये रहेगा जी, आपने फरवरी में बताया ना, हट जाएगा, ये हट जाएगा जी, ये जुगाड़। तो उससे पहले स्प्रे की जरूरत होगी? उससे पहले कोई स्प्रे की जरूरत नहीं, उससे पहले जी अंदर ही रहेगा जी। इंसेक्ट डोरी एक लगाते हैं, मैंने कई जगह देखा तीन लगाते हैं। वो तीन की कोई इसके टाइम पे जरूरत नहीं है, बाकी तीन की नर्सरी पे आपने नजर आएंगी। अगर आप पर्टिकुलर नर्सरी करोगे तो क्या है, ये कागज अगर नजदीक जाएगा तो शेक लगाता है, अगर ये कागज दूर रहेगा ना तो वो रहेगा हमने, तो वहाँ पे शेक की जरूरत है। ये नर्सरी के लिए तीन लगा? हाँ, नर्सरी के लिए तीन लगेगी, अगर आप नर्सरी का अच्छा करते हो। अच्छा, और जैसे नर्सरी से तैयार करेंगे हम पौधों से लगाएंगे, और एक डायरेक्ट हम सीड से बिजाई करेंगे, तो इनमें अंतर क्या रहेगा? अंतर वही है, लेट का और अर्ली का रहेगा, 5-7 दिन का। जैसे उत्पादन में तो कोई अंतर नहीं सर इसमें? अभी देखो नर्सरी करोगे ना, वो भी ट्रांसप्लांटिंग आपकी जाके 15 जनवरी को होती है, क्योंकि 15 जनवरी का अपने एरिया का एक ये सिस्टम है, अब दिन गर्म हो जाते हैं संक्रांत के बाद में, इस एरिया का मान के चलो, अब संक्रांत के बाद दिन गर्म हो जाएगा, रात तो ठंडी रहेगी, जाते जाते 26 फरवरी को मौसम चेंज होता, क्लाउडी वेदर हो जाएगा, 2 फरवरी तक कहीं कहीं बारिश होती, कहीं सूखा पाला गिरता। ये 10-12 साल का तो मेरा तजुर्बा है ये बीज बेचते हुए, तो उसमें जो बंदा इस पे खर्च करता है वो बंदा पार जाता है। अगर बारिश हो गई, ये नहीं करा ट्रांसप्लांटिंग कर दी, तो उसको बारिश मारती है, सूखा पाला गिर गया तो पौधा स्टेरस में आ जाता, मान के चलो 10 दिन हो गए उसने नहीं गिरा, ठीक चल रहा, 12 दिन के बाद में पाला गिरता तो पाले गया उसके ऊपर अटैक तो बढ़ता है, बच्चा है। अगर यह रहता है, प्रोटेक्ट करता उसको, हो सकता है 15 फरवरी को आपने 15 जनवरी को डाला है और 15 फरवरी को आप जैसा है वैसा ही उठा लो इसको। और अपने ट्रांसप्लांटिंग के लिए कौन सा टाइम ठीक है, कब ट्रांसप्लांटिंग अगर क्या आप इंटरक्रॉपिंग में जाना आपने? नहीं, ये नॉर्मल अगर आप मेथड में जाते हो तो 20 फरवरी तक आप करके, फिर बीच में जो 15-20 दिन है इनको आप छोड़ दो। 20 दिसंबर तक आपने कर लिया, 20 जनवरी से नर्सरी डाल दी 20 दिसंबर को। हाँ, खेत किस टाइम खाली होता है उसके ऊपर, खेत खाली है तो आप इस टाइम पे तरबूज अगर करोगे तो तरबूज की तो नर्सरी करनी पड़ेगी। हाँ, नर्सरी करूंगा। अगर तरबूज आप और पहले करते 5-7 दिन तो आप सीधी बिजाई कर देते तरबूज की, आज भी सीधी बिजाई कर सकते हो, डिस्पोजल गिलास लगी, नहीं पता था, पता लगा। हाँ, तो वो डिस्पोजल गिलास लगेगा हीटिंग के लिए, तरबूज का थोड़ा हार्ड बीज होता है उसका जर्मिनेशन निकालने के लिए। अच्छा, जर्मिनेट अगर इस टाइम हो गया होता है हमारा, तो उस पे पाले का असर नहीं पड़ेगा? नहीं, फिर ये मल्चिंग होगा तो अंदर आगे फिर ये लगाना पड़ता है। अगर मुझे टनल नहीं लगाना, तो आपने करीब जाकर 10 जनवरी से फरवरी से पहले आप ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाओ। 10 फरवरी अगर कर भी गए, एक साल सक्सेस हो गया, एक साल फेल हो गया, एक साल सक्सेस हो, क्योंकि वो वेदर मेरे हाथ में नहीं है, थोड़ा रिस्क है। 100% रिस्क है जी, बच गया तो बच गया, नहीं तो गया तो पूरा खेत गया। पिछले साल मैंने लो टनल किया था, 8 एकड़ में किया था करीब, लेकिन इतनी बारिश हुई कि वो बारिश में सारा खराब हो गया, पाले पुले से तो बच गया, लेकिन बारिश में आंधी और पानी सब साथ साथ चल रहा, सारा आधा ये उड़ गया, वो भी दिक्कत है। तो उसमें लास्ट फाइनल तो बचा होगा ना? हाँ, बचा। तरबूज एक ऐसी मतलब गिट पिड़ के भी लास्ट में अगर मैं ये ना लगाता तो कुछ ना बचता। अच्छा, अब ये बात आपने कहा कि ये नहीं लगाते, इसके बेनिफिट का आपको पता चला? ये उड़ा भी है तभी भी इसका बेनिफिट है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर ठंड में एक बारिश भी आ जाती है तो हमारी सोइल की ठंड को तोड़ती है, जो सोइल में हमें जैसे सर्दी में क्या होता है, पानी लगाते हैं तो जमीन में गर्मराहट बनती है, न कि वो ठंडी होती है, गर्मराहट बनती है, रूट जोन और जंप करेगा उसमें, और उसके बाद में तरबूज एक बार डट के फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है बारिशें। तो देखो, उसके लिए आपके जो ये चैनल है ना जी, ये ऐसे होने चाहिए कि बेड की थोड़ी हाइट होगी, और ये चैनल है इनका पानी एक कॉर्नर पे, आप 4 एकड़ पे ट्रेंच बोर होता है वाटर हार्वेस्टिंग का, वो अगर आप डे बाय डे खेती में आगे बढ़ रहे हो तो वो आपका जरूर होना चाहिए। हर एक कॉर्नर पे 4 एकड़ का एक कॉर्नर बने, उस 4 एकड़ पे होना चाहिए, जिससे कि आप एक्सेस वाटर उसी टाइम आप डाल लो, और बेड की हाइट होगी तो आप अननेसेसरी आपके ऊपर मारनी पड़ेगी, और उसका जो कॉस्टिंग है करीब 5-7 हजार एरिया वाइज, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, 4 एकड़ के पानी को बहुत जल्दी ले लेगा, जितना जमीन ने लेना वो ले लेगी, जो एक्सेस होगा उसमें चला जाएगा, पीछे से ही पानी आ जाएगा, वो एक अलग बात है। मीन्स अगर डायरेक्ट मुझे नर्सरी लगा के सोइंग ट्रांसप्लांट करना है तो 10 फरवरी से पहले टनल के बगैर आप नहीं जाओगे? नहीं जा सकते, अन्य फायदा रहेगा आपको, अगर आप मेहनत भी करोगे तो फायदा भी मिलेगा। मैं अभी नर्सरी लेके 15 जनवरी को ट्रांसप्लांट करता हूँ, तो मेरी कब आएगी?
15 जनवरी हाँ मार्च लास्ट में आपकी 15 जनवरी के 75 दिन हो गए आपके, तो 75 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग डल जाएगी। पर वो डिपेंडेंसी दीपक जी मौसम पे, अगर फरवरी बहुत ठंडी रही तो मैच्योरिटी नहीं आएगी। अगर मान के चलो नॉर्मल टेम्परेचर फरवरी का, क्योंकि ये क्रॉप है ना टेम्परेचर के बगैर नहीं चलने वाले, गर्मी का फर्क, ये रेड कलर नहीं पकड़ेगा, स्वीटनेस नहीं पकड़ेगा, हम कितना ही गेम कर ले, ये 55 दिन में भी आता है और यहाँ 85 दिन भी लेता है, ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंस। हाँ ये जरूर है जैसे ही गर्म होगा एकदम आपको मैच्योरिटी देगा आपके इंडेंट कर। धन्यवाद।